Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is syllabus of operating system. Before I start with this video, I just want to request you all, and especially jo meri video ko first time watch kar rahe hain, to please subscribe my channel, please share with your friends, and please press the bell button for the latest notifications. Ab hum is video ko start kar rahe hain. वीडियो की जो हम इसमें बात करने वाले हैं वो है सिलेबस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब आपको पहले लग रहा होगा कि सिलेबस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑलरेडी ये बहुत जगह पे अवेलेबल है. आप अगर डाउनलोड करना चाहो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का गेट के एग्ज़ाम के लिए या यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा. लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव क्या है, पहला आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि गेट में या यूजीसी नेट के लिए अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हो तो कौन से ऐसे टॉपिक है जो मैंडेटरी हैं, स्टार मार्क है, मतलब आपको करके ही जाने हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आप थोड़ा बहुत ऊपर से करके मतलब देख के जा सकते हो. तो इससे एक्चुअली बेनिफिट क्या है, एक तो वो लोग जो बिल्कुल लेट टाइम पे स्टडी करते हैं, मतलब बिल्कुल जब एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले स्टडी स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. इवन जो प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिट है. बिकॉज इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मेन टॉपिक और उनके अंदर सब टॉपिक्स क्या है, और ये वीडियो में जितने भी टॉपिक हम बना रहे हैं ये किसके ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चंस. जितने भी क्वेश्चन लास्ट इयर्स में आए हुए हैं, चाहे गेट के एग्जाम में चाहे यूजीसी नेट के एग्जाम में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका पैटर्न जो है क्वेश्चंस का वो सेम ही है. कई बार यूजीसी नेट के एग्जाम में गेट के क्वेश्चन आ जाते हैं, गेट के एग्जाम में जो है कई बार क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं बट विद अ डिफरेंट लैंग्वेज. तो ये जो है इसीलिए ये वीडियो का यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंस है. दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, स्मार्ट वर्क. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको याद हो कि इस टाइम पे जो हमारा अभी जो लेटेस्ट आई है फोर्ब्स की रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड का नंबर वन जो अमीर आदमी है वो अमेजोन का हेड, तो वो जो है बंदा अमेजोन का जो हेड है उस बंदे ने कितना स्मार्ट वर्क किया. देखो ना तो उसकी कोई इंडस्ट्रीज है कि जो इंडस्ट्री में वो चीज़ें बना रहे हैं, शूज़ बना रहे हैं या एप्रल बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी वो ऑनलाइन वेबसाइट पे या एप्लीकेशन में जो वो चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी है उसकी जो टोटल वेल्थ है वो पूरे सारे बिलीनियर, जिसमें हमारे इंडिया के मुकेश अंबानी जो है वो आते हैं और भी बहुत सारे बिलीनियर्स हैं, तो उनको भी जो है उसने पीछे छोड़ दिया. तो वो जो है दैट इज़ अ स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क तो है ही है, उसके साथ क्या है स्मार्ट वर्क. विदाउट एनी इंडस्ट्री, विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट, वो जो है सिर्फ सामान को इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, और ये जो चीज़ है स्मार्ट वर्क कहलाती है. तो वही स्मार्ट वर्क हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो पहला जो टॉपिक है दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन. तो बेसिक इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या आता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन के साथ साथ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम, वो आपको पता होना चाहिए. उसके बाद यहाँ पे आता है मेरे पास प्रोसेस डायग्राम. मतलब जब एक प्रोसेस हम एग्जीक्यूट करते हैं, जब एक प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूट करता है तो कौन कौन सी स्टेजेस में से वो प्रोसेस पास होता है. उसके अलावा यहाँ पे क्या आता है मेरे पास, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेस के डायग्राम के अलावा यहाँ पे बेसिक सिस्टम कॉल, डेफिनेशन ऑफ सिस्टम कॉल्स, उसमें आता है आपकी फॉग सिस्टम कॉल, और उसके अलावा आप मतलब बेसिक जो है कर्नल और फॉग, इन सब सिस्टम कॉल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोसेस का डायग्राम. मतलब प्रोसेस की जो स्टेजेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और उसके बाद मेरे पास आता है ऑपरेट प्रोसेस शेड्यूलिंग, जिसको हम सीपीयू शेड्यूलिंग भी बोल सकते हैं. तो शेड्यूलिंग में जो है वो बहुत सारे वेरियस एल्गोरिदम्स आते हैं, और ये पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है. इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये पर्टिकुलर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है. इसमें अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं, फीफो है, एसजीएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रीएम्प्टिव है, आपका राउंड रॉबिन है, ठीक है, अलग अलग जो है वो एल्गोरिदम्स आते हैं, प्रायोरिटी है. तो ये जो है ये वाला पोर्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी ईयर देयर विल बी अ क्वेश्चन इन गेट एंड यूजीसी नेट फ्रॉम दिस टॉपिक. तो ये टॉपिक तो आपके लिए कह सकते हो मैंडेटरी ही है, मतलब ये तो टॉपिक करके ही जाना है, और बहुत ही ईजी है.
अगर आपने एक एक न्यूमेरिकल, दो दो न्यूमेरिकल इसके कर लिए तो डेफिनेटली आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, थर्ड आता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। इसमें जो है कॉन्सेप्ट आता है सेमाफोर का, कॉन्सेप्ट ऑफ सेमाफोर, बाइनरी सेमाफोर, स्पेशली बाइनरी सेमाफोर का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। वो ही आपको करके जाना है बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा पीटरसन सॉल्यूशन है, बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो है सिंक्रोनाइज करते हैं प्रोसेसेस को। लेकिन यहाँ पे सेमाफोर के कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है टॉपिक, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देखें तो आपको डेफिनेटली इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे सेमाफोर काम करता है एक्चुअल में। तो ये वाला जो है सेमाफोर वाला टॉपिक, मैं इसमें इसको बोलूंगा कि मैंडेटरी है, जिसको आपको करके ही जाना है। नेक्स्ट आता है डेडलॉक एंड थ्रेड्स। डेडलॉक एंड थ्रेड्स में जो डेडलॉक वाला पोर्शन है बहुत ही ईजी पोर्शन है, बहुत ही ईजी। बेसिक डेफिनेशन डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, और स्पेशली इसमें आता है बैंकर्स एल्गोरिदम। बैंकर्स एल्गोरिदम आपको पता होना चाहिए कैसे काम करता है, बहुत ही ईजी है। आप इसके लिए मेरी वीडियोस को चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने इसको बहुत ही अच्छे एग्जांपल से, इवन गेट के क्वेश्चन से ही समझाया हुआ है। तो बैंकर्स का एल्गोरिदम आपको यहाँ पे करके जाना है। इसके अलावा बेसिक क्वेश्चंस भी मैंने अपनी वीडियोज़ में यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं डेडलॉक के ऊपर। ये वाला टॉपिक जो है वो टोटली कंप्लीटेड है मेरी वीडियो में, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन भी, प्रोसेस शेड्यूलिंग वाला भी, और बेसिक वाला, ये ऑलरेडी कवर्ड। सॉरी। देन मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में हमारे पास आता है स्पेशली पेजिंग का कॉन्सेप्ट, सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट, और इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आता है। तो ये पोर्शन आपको करके ही जाना है। ऑल्दो इसमें मल्टी लेवल पेजिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है और सेगमेंटेशन विद पेजिंग, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगर आपके पास टाइम है, आप प्रॉपर इसकी तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो वाले पोर्शन भी करके जाना, मल्टी लेवल पेजिंग, सेगमेंटेड पेजिंग वगैरह। लेकिन अगर आप नॉर्मल देख रहे हो तो उसके लिए आपको बेसिक पेजिंग, सेगमेंटेशन कैसे काम करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के टाइप्स, और उसके अलावा यहाँ पे आता है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को जरूर करके जाना, इसमें आपके जो है क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में उसमें आपको दिया होगा कि टाइम दिया होता है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम निकालना होता है, उससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं। बेसिक ऑफ थ्रेशिंग आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गो, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोस। इसको मैं डेफिनेटली यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, बिल्कुल आपने एक एक दो दो क्वेश्चन इसमें कर लिए तो आप इसको कभी भी गलत नहीं करोगे। तो इसीलिए ये वाला पोर्शन, और हर साल इसमें से क्वेश्चन आ रहा है, इजी भी है और क्वेश्चन भी आ रहा है, तो यार ऑब्वियसली सिक्योर करना है। क्योंकि गेट का एग्जाम बोलूं तो वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर रहा हूं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब मेरे को वहां पे करेक्टनेस इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं अभी तक, तो आप थोड़ा बहुत वहां पे ले सकते हो रिस्क, लेकिन यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको पहले करेक्टनेस की तरफ जाना है, ताकि अगर मेरा इन केस गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग जो है गेट के एग्जाम में वो बहुत परेशान करती है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोस के बाद आता है आपका डिस्क शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग में भी हमारे पास ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये भी न्यूमेरिकल कह सकते हो इसको काइंड ऑफ, और इसमें आता है डिस्क शेड्यूलिंग। इसमें भी हमारे पास आते हैं स्कैन एल्गोरिदम, सी स्कैन एल्गोरिदम, एक बेसिक FCFS, और एक बेसिक जो है, मतलब जो बेसिक बेसिक जो एल्गोरिदम्स हैं इसके ऊपर भी मेरी वीडियोस जो है मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, तो इन वीडियोस को आप कवर कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन जो है मैंने सारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको जो है अच्छे से वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। डिस्क शेड्यूलिंग के बाद आता है यूनिक्स कमांड्स। ये वाला जो पोर्शन है ये यूजीसी नेट में ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू द गेट एग्जाम, लेकिन फिर भी गेट के एग्जाम में भी ये चीज कवर हो सकती है। यूनिक्स कमांड या बेसिक लिनक्स कमांड्स में आता है, जैसे ls कमांड है, mkdir, cd, काफ़ी कमांड्स हैं, मतलब मैं यहाँ पे, बट बेसिक कमांड जितनी भी हैं, cd कमांड है, chmod कमांड है। अभी रिसेंटली जुलाई वाले जो है एग्ज़ाम में, जुलाई का जो अभी 2018 का एग्ज़ाम हुआ है,
यूजीसी नेट का, उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके अलावा आपको ओपन सिस्टम कॉल के बारे में पता होना चाहिए। ओपन सिस्टम कॉल के अलावा जो है आपके पास, मतलब फाइल से रिलेटेड जो सिस्टम कॉल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके पैरामीटर्स क्या हैं वो आपको जो है पता होना चाहिए। तो ये जो है बेसिक लिनक्स कमांड्स के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्दो गेट में ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ ज्यादा, लेकिन यूजीसी नेट के लिए ये पोर्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन फाइल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, ये वाला पोर्शन जो है फाइल मैनेजमेंट में जो स्पेशली आता है कि फाइल से डेटा को कैसे फेच करते हैं, वेरियस एल्गोरिदम्स, जिसमें आपके पास आता है सीक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, लिंक्ड एक्सेस, तीन चार मेथड्स हैं, वो आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आपको, मतलब इसमें जो है ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ये एल्गोरिदम्स की वर्किंग, इनके बीच में क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इनकी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब वर्किंग कैसी है, सिक्वेंशल, रैंडम और लिंक्ड, एलोकेशन भी है और एक्सेसिंग ऑफ द फाइल्स भी है। और सिक्योरिटी में हमारे पास आता है बेसिक डेफिनेशन, वायरस क्या है, वर्नेबिलिटीज क्या होती हैं, लूप होल्स क्या है, एनक्रिप्शन का बेसिक सब पूछ सकते हैं। लेकिन एनक्रिप्शन वाला एक्चुअल में नेटवर्क के अंदर जो है पोर्शन है, क्रिप्टोग्राफी वाला, वहाँ पे एक्चुअल में कवर हो जाता है। लेकिन अगर इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो आपको बेसिक बेसिक सा पता होना चाहिए, और ये वैसे भी पोर्शन वहाँ पे कवर हो जाएगा तो आप वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हो। तो बेसिक वायरस की डेफिनेशन, लूप होल्स, वर्नेबिलिटीज, और इसके अलावा अटैक्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स की अटैक्स हैं, ये जो है आपको बेसिक बेसिक जो है पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे पोर्शन को, ये है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इनमें से जो मैंने पहला पोर्शन, ये प्रोसेस शेड्यूलिंग वाले को डबल स्टार मार्क किया, बिकॉज ये पोर्शन आपको छोड़ के नहीं जाना। दूसरा जो है यहाँ पे वो है मेमोरी मैनेजमेंट वाला पोर्शन, कुछ भी हो जाए ये वाला पोर्शन आपको करके ही जाना। देन डिस्क शेड्यूलिंग वाला पोर्शन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक तो इसमें जो एल्गोरिदम्स हैं वो बहुत ही ईजी हैं, आप एक एक दो दो क्वेश्चन करते हो तो आपका हमेशा आपको याद रहेगा। अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक वाला ऑब्वियसली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैंने पहले ही बताया हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है। अगर आप कर जाते हो तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज आप बाइनरी सेमाफोर का कॉन्सेप्ट जो है बेसिक देख सकते हो। डेडलॉक और थ्रेड वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो है थोड़ा सा थियोरेटिकल है, इसमें सिर्फ बैंकर्स वाला एल्गोरिथम प्रैक्टिकल है, बाकी जो है मतलब न्यूमेरिकल है, बाकी जो है इसमें थ्योरी है, डेडलॉक अवॉइडेंस, नो प्रीएम्प्शन वगैरह, जो सर्कुलर वेट। और थ्रेड में हमारे पास आता है टू टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, तो कर्नल लेवल थ्रेड या यूजर लेवल थ्रेड के बारे में आपको बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे पूरा सिलेबस है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।